एक पिछले कल हमारा सोलन में कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम हमारे पेंशन बहाली के बाद, क्योंकि हम वहाँ जा रहे थे, हमारे स्वागत के लिए रखा गया था और कुछ कर्मचारी साथी हमसे मिलना चाह रहे थे, उनसे मिलने का कार्यक्रम था और उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा होनी थी। ऐसा ही एक पोस्टर हमारे संगठन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है उस पोस्टर को एडिट करके उसमें जो है मेरे नाम के नीचे, मेरे फ़ोटो के नीचे ये लिखा गया कि मंडी लोकसभा के भावी सांसद का टूर प्रोग्राम। तो इस तरह की होछी हरकत जो है कुछ शरारती तत्वों द्वारा की गई। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ऐसी हरकत से वो बाज आएँ, क्योंकि हम कानूनी राय ले रहे हैं और ज़रूरत महसूस होने पे जो है हम इस पे FIR भी करेंगे, हम सरकार को भी इसकी एक रिपोर्ट देंगे। हम अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारा मिलने का कार्यक्रम है, कुछ मंत्रीगण से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। तो इस तरह की जो हरकतें हमें बदनाम करने की जो हरकत हो रही है, वो चाहे कर्मचारियों के बीच हमारी छवि खराब करने की बात हो या जनता के बीच में या सरकार के सामने हमारी छवि खराब करने की जो कोशिश कुछ शरारती तत्वों द्वारा की गई है, मैं उनको ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि आपके कोई भी षड्यंत्र जो है वो सफल नहीं होंगे और हमारे जो प्रयास, चाहे वो पेंशन बहाली के लिए रहे हों या आने वाले समय में NGO फेडरेशन के माध्यम से कर्मचारियों की अन्य समस्याओं के लिए रहेंगे, वो इसी तरह जारी रहेंगे। आप हमारे खिलाफ़ चाहे जो मर्जी षड्यंत्र करते रहें, कर्मचारी हमारे साथ है, कर्मचारियों को हमारे ऊपर विश्वास है, आम जनता का भी हमें सहयोग मिलता है और सरकार भी हमारे साथ खड़ी है, सरकार का भी हमें ज़रूर सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और उन लोगों को मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि उन लोगों का पर्दाफाश जो है सरकार के समक्ष भी किया जाएगा, मीडिया के समक्ष भी किया जाएगा और FIR की ज़रूरत भी पड़ेगी तो FIR भी करके उनको जो है कानूनी रूप से जो भी सज़ा हम दिलाने की जो है कोशिश करेंगे, और ताकि वो भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना कर सके और हमारे साथ साथ जो है किसी और का भी इस तरह, हमारे साथ साथ जो है किसी और के बारे में भी इस तरह का घटिया षड्यंत्र वो ना कर सके।